Welcome to VLearn. Welcome to session 7 of Business Environment. In this session, we will cover the topics which are as follows, that is legal environment introduction, classification of laws, sources of law, then law impacting industry, intellectual property rights and major regulations to business. सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है. लीगल एनवायरनमेंट ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लरिश करता है एंड इट इज एन एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट. तो जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है लीगल मींस लॉज. तो एनवायरनमेंट में बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो काम कर रही हैं और बिजनेस को लॉज रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करना होता है एंड दैट इज व्हाई लीगल एनवायरनमेंट ऑफ अ नेशन दैट कंप्राइजेज लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस इनेक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. लीगल सिस्टम डिनोट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव बीन इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में जो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस के लिए बनाए गए हैं तो वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, दैट इज व्हाट लीगल सिस्टम. लॉ इंक्लूड्स रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस, ये सब लॉ के अंडर ही आते हैं. तो लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जस्टिस प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, दीज थिंग्स आर ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन सोसाइटी. तो सोसाइटी में अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, मीन्स बिजनेस मैन जो है इफ दे डू इनजस्टिस विद कस्टमर, तो कस्टमर जो है उसको उसके बिजनेस के ऊपर सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट में उससे क्वेश्चनिंग की जा सकती है. तो लॉ जो है एक जस्टिस देने का काम करता है कंज्यूमर्स को. नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ. लॉ को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ. लेट्स सी कि पब्लिक लॉ क्या है. पब्लिक लॉ इज बेसिकली इट इज the law that determines and regulates the organization and functioning of the state as well as the relationship of the state with its people. State ka logo ke saath kya relationship hai, to ye cheez describe ki gayi hai public law mein. To public law mein hum teen law include karte hain, constitutional law, administrative law and criminal law. Constitutional law is basically it's a basic law or we can say fundamental law of land which determines the nature of the state and the structure of the government. Government ki ka structure kaisa hai, government kis tarike se kaam kar rahi hai, uska structure kya hai, uski hierarchy kya hai, ye constitutional law mein define ki gayi hai. Second thing is administrative law. Administrative law deal karta hai organs, स्टेट ऑर्गन्स के फंक्शंस के साथ, क्या फंक्शन क्या काम करेंगे वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. सो इट इज द लॉ विच डील्स विद द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट. सभी ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, स्टेट ऑर्गन्स हैं, वो किस कैसे काम करेंगे, उन वो क्या पावर्स इंजॉय करते हैं, दैट इज कंटेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. थर्ड इज क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ इज इट डील्स विद वेरियस ऑफेंसेस एंड देयर प्रिवेंशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर एंड प्रिस्क्राइबिंग पेनल्टीज फॉर दोज वायलेटिंग द लॉज. क्रिमिनल लॉज जो हैं ये ऑफेंसेस के साथ डील करता है और किसी ने किसी भी तरीके का अगर कोई लॉ अबाइड किया है, ऑफेंस किया है, तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी पर्सन को, दैट इज देयर इन क्रिमिनल लॉ. Second is private law. Private law, it is the law that regulates the relations of citizen with one another. एक दूसरे के साथ क्या relationship होना चाहिए. जैसे private law में आता है personal law, it consists of personal law, property law, law of obligation, ये सब private law के parts हैं. Now see sources of law. Source का meaning क्या है. Source means origin or source from which something is derived. कहाँ से कुछ चीज़ derive हो रही है, that is called source.
इसको हम बोल सकते हैं कि ये इट रेफर्स टू द सर्कमस्टेंसेस और कॉजेस दैट बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. तो सोर्सेज ऑफ लॉ फॉर्मल सोर्सेज इसमें इंक्लूड करते हैं हम. फॉर्मल सोर्सेज इज इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ लीगल रूल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो लीगल फॉर्मल सोर्सेज क्या है जो कि दीज लॉज डिराइव इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी. तो ये ऐसे फोर्सेज हैं जो कि लॉ डिराइव करते हैं, जो कि वैलिड लॉज हैं. सो प्रोसीजर्स और द मेथड्स बाय विच रूल्स बिकम लीगली बाइंडिंग आर कॉल्ड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ. राइट, तो इसमें क्या है कि लीगली पर्सन जो है वो बाइंड करते हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए, वो होंगे फॉर्मल सोर्सेज. सेकेंड है मटीरियल सोर्सेज. मटीरियल सोर्सेज आर नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मल एक्ट, रादर इट आइडेंटिफाइज द सब्सटेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. आइडेंटिफाई करते हैं क्या ऑब्लिगेशन है जो कि लॉ बनाई जा सकती है. सो दीज आर कंसर्न विद द सब्सटेंस एंड कंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. दिस रेफर्स टू वेरियस प्रोसेसेस व्हिच रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लॉ. तो वो मटीरियल लॉ है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लॉ बन सकता है, तो दैट इज मटीरियल लॉ. मटीरियल लॉ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीगल सोर्सेज. मटीरियल सोर्सेज को हम टू थिंग्स में क्लासिफाई करते हैं, लीगल सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज. लीगल सोर्सेज आर द सोर्सेज विच इज रिकग्नाइज्ड बाय लॉ इटसेल्फ. राइट, जैसे स्टैट्यूट्स एंड लॉज विच डिराइव देयर फोर्स फ्रॉम लेजिस्लेचर ओनली. केस लॉज जो है विच हैव देयर सोर्स इन प्रेसिडेंट्स. कस्टमरी लॉ विच स्प्रिंग फ्रॉम कस्टम्स. तो ये क्या है, लीगल सोर्सेज जो कि लॉ ही रिकग्नाइज करता है. सेकेंड, हिस्टोरिकल सोर्सेज. दीज सोर्सेज हैव नो बाइंडिंग फोर्स एंड विच आर नॉट रिकग्नाइज बाय लॉ. फॉर एग्जाम्पल लाइक जस्टिस राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग्स और डिसीजंस पास बाय फॉरेन कोर्ट्स, ये क्या है, हिस्टोरिकल सोर्सेज. नाउ सी लॉ इम्पैक्टिंग इंडस्ट्री. अब कौन कौन से लॉ जो हैं वो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लीगल एनवायरनमेंट है किसी भी नेशन के लिए लीगल एनवायरनमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. एंड लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, लॉज एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड. राइट, तो इस केस में हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को. तो सबसे पहला एक्ट है यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1956. जैसे कि नाम से भी मालूम पड़ रहा है कंपनीज एक्ट 1956, ये एक्ट कंपनीज के लिए है. कंपनीज की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है. सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ विच रेगुलेट्स all aspects relating to company, as it lays down the provisions relating to the formation of company, powers and responsibility of directors and managers, holding company meetings, etc. अगर किसी भी company को register कराना है तो उसको सबसे पहले registration जो होगा उसका Companies Act 1956 के under होगा. तो ये हर जो कंपनीज एक्ट 1956 है, ये हर कंपनी को रेगुलेट करता है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन सेट करता है कि कंपनीज को कैसे क्या काम करना है, कौन सी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कितने कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं कंपनी को. जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये टू मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी को प्रिपेयर करने होते हैं. डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो कौन सी पावर्स इंजॉय करेंगे, कब कब मीटिंग्स रखनी है कंपनी को. समटाइम्स देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक स्टैचुटरी मीटिंग रहती है जो कि कंपनी को होल्ड करनी ही पड़ती है. तो ये सब डिफाइंड रहते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में. तो जो ये एक्ट है इट इज़ अप्लाई टू
होल ऑफ इंडिया एंड टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज वेदर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन अर्लियर एक्ट. तो ये जो एक्ट है इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी. इस एक्ट के अंतर्गत ही गवर्नमेंट जो है वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकती है, स्पेशल ऑडिट कर सकती है, या कंपनी जो है इन्वेस्टिगेट कर कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है यहाँ पर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एज वेल एज टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन फॉर वॉयलेशन ऑफ द एक्ट. तो कंपनी एक्ट जो है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, पब्लिक ट्रस्टीज, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन एट्सेट्रा. तो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे ही कंपनीज एक्ट 1956 में भी अमेंडमेंट्स की जाती हैं जिससे कि बिजनेस जो है वो बहुत कुछ काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो सके, क्योंकि कंपनी में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, देयर आर वेरियस यूजर्स हु आर डीलिंग विद द कंपनी, मीन्स दे यूज द कंपनी इंफॉर्मेशन फॉर देयर सेक. तो उनके लिए जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एंड कंपनी एक्ट 1956 कंपनी को अबाइड करता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट रखे. दिस इज व्हाट कंपनीज एक्ट 1956. सेकंड इज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, दैट इज IDRA 1951 में आया था ये. इट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये एक्ट इनैक्ट हुआ IDRA, जो कि इंडस्ट्रीज को फोकस करता है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाया गया, राइट. सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट विद द मींस टू इम्प्लीमेंट इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो इस एक्ट द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट इन फॉलोइंग वेज. लाइक गवर्नमेंट ने काफ़ी नेसेसरी स्टेप्स लिए जिससे कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके. इन्होंने अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो रेगुलेट द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट कंट्रोल द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ अंडरटेकिंग्स. And this act is administered by Ministry of Industries and Commerce through its Department of Industrial Policy and Promotion. तो जो ये act है ये Department of Industrial Policy and Promotion के under आता है. And this department is responsible for formulation and implementation of promotional and developmental measures for the growth of industrial sector. नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं वो सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आती हैं. लाइक ट्रांजैक्शंस इन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इनके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं दैट इज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So it lays down the general principles relating to formation, performance and enforceability of contract. Like इसके अंदर हम special type of contract पढ़ते हैं, like bailment act, bailment and pledge, agency contract, indemnity and guarantee contract. So it also contain provisions related to what breach of contract. अगर contract cancel किया जा रहा है तो उस case में क्या provisions होंगे,
किस पार्टी को किस पार्टी को ये बेनिफिट दिया जाएगा, किसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये सब प्रोविजंस जो है इट इज ले डाउन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है ये इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल है। अगर कोई रिलेशनशिप लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एप्लीकेबल है। सो दिस लेजिस्लेशन गवर्न्स द इंडस्ट्रियल रिलेशंस विच इन्वॉल्व वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एज वेल एज अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में कोई प्रॉब्लम है तब भी ये डिस्प्यूट्स एक्ट एप्लीकेबल है। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज इन्वोक्ड फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बेसिकली डिस्प्यूट्स क्यों अराइज हुआ, इसकी सेटलमेंट कैसे होगी, ये चीज़ें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बताई गई है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो इट ऑल्सो एड्रेसेज द इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री। इट इन्यूमरेट्स द कॉन्टीजेंसीज व्हेन अ स्ट्राइक और लॉकआउट कैन बी लॉफुली रिसोर्टेड टू एंड व्हेन दे कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल और अनलॉफुल। तो ये ले ऑफ्स, रिट्रेंचमेंट, डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, ये जो कंडीशंस हैं इन इनसे रिलेटेड भी सारा जो प्रोविजंस है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बताया गया है। तो ये एक्ट जो है, दिस एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थ्रू इट्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिविजंस। नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ये जो एक्ट है इट इज़ द एक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड यूनियन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड इंडस्ट्री और अ कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट वेलफेयर बाय कलेक्टिव एक्शन। तो जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को, वेलफेयर, वर्कर की वेलफेयर के लिए काम करता है। सो ट्रेड यूनियन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप। एज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इट डील विद द ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन, उनके राइट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज क्या होंगी, ट्रेड यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये सब चीज ट्रेड यूनियन एक्ट में बताई गई हैं। प्लस इट लेज डाउन द स्टिपुलेशंस टू इंश्योर दैट देयर फंड्स आर यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। ट्रेड यूनियन के पास जितने भी फंड्स आते हैं तो उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। एंड ऑल्सो इट गिव्स लीगल स्टेटस टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस एंड इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। सो दीज आर the laws that affect business. Next is intellectual property rights. अब देखते हैं intellectual property right क्या है। Intellectual property right होता है कि जब human being अपना कोई idea या knowledge से कुछ innovation करता है, कुछ creativity करता है, तो वो होगा intellectual property उसकी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड सच एज आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और रिसर्च। द राइट्स रिलेटिंग टू दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये क्या है कि ये जो राइट्स हैं ये एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं इन्वेंटर को जिसने नया आइडिया दिया है, नई इनोवेशन की है। और ये दूसरे लोगों को भी एनकरेज करता है कि और लोग भी इन चीज़ों में टाइम अपना इन्वेस्ट करें, नई नई इनोवेशंस करें, नए नए क्रिएशंस करें। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
इट कवर्स टू मेन एरियाज, इंडियन कॉपीराइट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट. तो कॉपीराइट एक्ट जो है इट इज रिलेटेड विद राइटिंग्स, जैसे ऑथर्स के जो राइट हैं वो इसमें सिक्योर्ड हैं. राइट ऑफ ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी वर्क या फिर आर्टिस्टिक वर्क से जो रिलेटेड हैं, लाइक बुक राइटिंग है या अदर राइटिंग और म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, पेंटिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फिल्म्स, स्कल्पचर, ये सब जो है इंडियन कॉपीराइट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं. दिस कॉपीराइट आल्सो कवर्स द राइट ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मर्स जैसे एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, इनके कॉपीराइट्स भी, इनके राइट्स भी, एक्सक्लूसिव राइट्स भी कॉपीराइट के अंडर ही आते हैं. प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स लाइक साउंड रिकॉर्डिंग्स और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सो राइट ऑफ दीज परफॉर्मर्स is protected under Indian Copyright Act. Second thing is industrial property right. The industrial property right, जैसे like distinctive signs or trademarks, जो कि एक अपनी particular good को दूसरी good से अलग रखते हैं, तो ये industrial property right के under आते हैं. Like innovations, original designs and the creation of technology, industrial designs and ट्रेड सीक्रेट्स, तो ये सब चीज़ें इसी के अंडर आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट में, राइट. सो द इश्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वॉज ब्रॉट ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ नेगोसिएशन बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू इट्स एग्रीमेंट ऑन TRIPS. TRIPS इज ट्रेड रिलेटेड aspects ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. Now see major regulations to business. Business को कौन कौन से acts हैं, regulations हैं जो कि regulate करते हैं. Law के साथ साथ government ने कुछ legislations भी बनाए हैं जो कि बहुत सारे area को cover करते हैं या बहुत सारे aspects को cover करते हैं, like business, market, labor, competition और industry. इन सब area को cover करते हैं ये legislations. So these legislations and policies are regulatory in nature and are aimed at providing an equitable and fair business environment, which is concerned to all people, चाहे वो entrepreneur हो, चाहे वो investor हो, consumer हो या फिर laborer हो, ये सभी के interest को, सभी के rights को protect करते हैं ये regulation. तो सबसे पहले रेगुलेशन है मैन पावर रेगुलेशन और वी कैन से लेबर स्पेसिफिक रेगुलेशन. तो गवर्नमेंट जो है नॉर्मली इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैन पावर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड लेबर अ सब्जेक्ट इन the list where both central and state government are competent to enact legislation. तो इसमें जो है कुछ areas include किए गए हैं, जैसे regulation of labor, safety in mines and oil fields, industrial disputes. These are the concern center in this regulation. तो concurrent list में आते हैं trade union, industrial and labor disputes, social security, welfare of labor including conditions of work, provident fund, employer's liability, workmen compensation, invalidity and old age pensions. Also maternity benefits are also covered in this regulation. So ye responsibility banti hai ministry of labor and employment ki to enact laws so that ki ye workers ke interest ko ko safeguard kar sake. And those of poor, deprived and disadvantaged section of society, in particularly, इनके rights को इनको secure कर सके. तो इसके regarding ministry की जो responsibility बनती है, like labour policy and legislation, जिसमें कि wage policy include करते हैं, safety, health and welfare of labour force, social security for workers, policy relating to special target groups like women,
चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, तो ये सब चीज़ें, वर्कर्स एजुकेशन वगैरह, ये सब लेबर स्पेसिफिक रेगुलेशन में ही इंक्लूड किया जाता है। सेकंड रेगुलेशन है एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो कुछ ही टाइम से वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्वालिटी, क्योंकि एनवायरमेंट क्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए कुछ लॉज जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एनवायरमेंट कंसर्न्स इंक्लूड लाइक एमिशन स्टैंडर्ड फॉर गैसेस इनटू एयर, नॉइस, वाटर एट्सेट्रा, सेपरेट सेट ऑफ लॉज फॉर एमिशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट हैव आल्सो बीन इनएक्टेड। तो इसमें जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिनको ये गाइडलाइंस दी जाती है कि दे हैव टू फुलफिल दीज पैरामीटर्स फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो दिस इज़ व्हाट कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगाती है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है ये इनके अंडर आता है ये चीज़, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी इनैक्ट किया गया, इज़ द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन विच ऑथोराइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटी कंट्रोल एंड रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया जो कि एनवायरमेंट को पल्यूट होने से बचाता है, जैसे नेशनल जू पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये सब एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 के अंडर ही आती है। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, नेशनल वाटर पॉलिसी, तो ये सब चीज़ें, ये सब पॉलिसीज जो हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। नेक्स्ट रेगुलेशन इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन। तो जो ये रेगुलेशन है, दिस रेगुलेशन इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इंडिया में मेजर लेजिस्लेशन सच एज फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, ये सभी एक्ट जो है ये इंश्योर करते हैं वर्कर्स की वेलबींग को। सो द रेगुलेशन आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब देखिए कॉम्पिटिशन एक्ट भी फ्रेम किया गया जो कि कॉम्पिटिशन को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स कि मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस कंडीशंस अराइज ना हो, उसके लिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाया गया। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड टू द पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मार्केट्स, मीन्स सभी को इक्वल राइट है, वो कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी के लिए ही कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाया गया। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, और इसमें जो है सिक्स राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें बताया जाता है कंज्यूमर्स के पास राइट है इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज, देन राइट टू एश्योर्ड एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स, वो कुछ भी, कोई भी वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो किसी भी प्राइस पे परचेज कर सकता है, देन ही हैज़ द राइट ऑफ हर्ड, राइट टू बी हर्ड मीन्स वो किसी भी फोरम के पास जाके जो कि कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, किसी भी फोरम पे, किसी भी फोरम से कॉन्टैक्ट करके और अपने ग्रीवियंसेस बता सकता है. ही हैज़ द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. तो ये जो 6 राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिए गए हैं, और ये कंज्यूमर के प्रोटेक्ट, कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992. अब देखिए फॉरेन ट्रेड क्या है. फॉरेन ट्रेड मींस कि जब गुड्स और सर्विसेज, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज अक्रॉस देयर नेशनल बॉर्डर्स. तो इसके अंदर जो हम फॉरेन ट्रेड में लेते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फॉरेन ट्रेड के. इंपोर्ट मींस दैट इंप्लाई फिजिकल लीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू वन कंट्री फ्रॉम अनदर. जबकि एक्सपोर्ट्स क्या है, जब हमारी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स मूव करता है. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दे हैव मेड अ वर्ल्ड अ ग्लोबल मार्केट. सो इन इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दीज आर रेगुलेटेड बाई फॉरन ट्रेड एक्ट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, अनाउंस करती है कोई भी पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू फॉरन ट्रेड, लाइक एग्जिम पॉलिसी. एग्जिम पॉलिसी बताती है प्रोविजन्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. देर इज वन एक्सरसाइज, टू क्वेश्चंस टू आंसर. वन इज व्हाट इज लीगल सिस्टम, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, एंड सेकंड इज डिस्कस द इंडस्ट्रियल लॉज एप्लीकेबल इन इंडिया. थैंक यू.